फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं मोहिनी, आज मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ आफ्टरनून से। अभी बज गया है 2। मैं मॉर्निंग में थोड़ा सा बिज़ी थी तो इसलिए ब्लॉग भी नहीं स्टार्ट कर पाई थी। जैसे कि आज संडे है तो हस्बैंड घर पे ही हैं तो थोड़ा काम बढ़ जाता है मेरा संडे वाले दिन। मैंने आज मशीन भी लगाई थी, मुझे कपड़े भी धोने थे और अभी सारा काम हो चुका है, लंच भी हो चुका है हम लोगों का, मैंने बर्तन भी धो दिए हैं। अभी फ़िलहाल बस मुझे 2 वीडियो शूट करनी है, शूट करने के बाद उन्हें एडिट करनी है, फिर उन्हें आज ही पोस्ट करनी है। और आई होप आप सभी को मेरी व्लॉग्स एंड वीडियो पसंद आ रही हो। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ उन्हें लाइक ज़रूर कीजिए, आपके एक लाइक से मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ। एंड आज मैंने लंच में बनाए हैं दाल चावल बनाए थे सॉरी अब तो हम खा चुके लंच में आज हमने दाल चावल बनाए थे और ब्रेकफास्ट में मैंने आज चीला बनाया था। ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है। आज मुझे बाहर भी जाना है कुछ सामान लेने, जो सामान बहुत इम्पॉर्टेंट है मुझे जाना है, ज़्यादा दूर नहीं जाना, पास में ही जाना है। हम तीनों ही जाएंगे और गाड़ी से ही जाएंगे, स्कूटी से तो जा नहीं सकते हैं बिकॉज़ टाइम ही ऐसा चल रहा है, अपनी सेफ्टी अपने हाथ में ही है। और बस और कोई काम ऐसा है नहीं, अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ, बस मुझे सिर्फ वीडियो शूट करना है। और फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई सजेशन की वीडियो है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। फिर मिलते हैं थोड़ी देर में, जब तक के लिए बाय, गुड इवनिंग। मैं आज सो गई थी, मुझे पता नहीं कैसे नींद आ गई, वैसे मुझे नींद नहीं आती है। आज मेरी 1 घंटे के लिए आँख भी लग गई और अभी हो चुका है 4:30 और अब मुझे बाहर जाना है किसी काम से। मैं अच्छे से तैयार हो गई हूँ, अनुज और अथर्व भी तैयार हो गए हैं, हम लोग बाहर जा रहे हैं तो मैं आपसे मिलती हूँ रास्ते में। तो जैसा कि आप देख ही सकते हैं हम लोग बाहर निकल आए हैं, बड़ा सुकून सा मिल रहा है बाहर निकलने पे तो, और गप्पू को धूप लग रही है। अभी देखते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि हम क्या लेने जा रहे हैं। पानी आएगी, यहाँ आ जाती है अंदर। चलो ठीक है, ठीक है, पीछे वो लगा दो। ले लिया बेटा, पीछे रखा है। ले जाओ, हमारी भी कौन करवा कर ले जाओ। ये एक बहुत ज़रूरी काम था, मटके लेना था। अथर बार बार फ्रिज का ठंडा पानी मांगता है इसलिए मेरे को लगा कि मैं मटका ले आऊँ तो उसको ठंडा पानी भी मिलेगा और सही भी रहेगा सेहत के लिए। देखो रोड पे कितना ट्रैफिक चल रहा है। अभी कुछ सामान लेने, देखो बोरी वो जा रही उन्हें कुछ सामान लेना है अभी तो वो सामान लेने गए हैं अपना और हम बस घर पहुंचने वाले हैं। सिर्फ मुझे एक मटका ही लेना था, वो मेरे लिए इतना ज़रूरी बन गया था बिकॉज अथर्व है वो फ्रिज का पानी ही मांगता है, उसको इतनी बुरी आदत पड़ गई है फ्रिज के पानी की, उसको फ्रिज का पानी ही चाहिए होता है। अब मैं सोच रही हूँ उसकी आदत मैं छुड़वा दूँ तो मैं इसके लिए मटका लेके आई हूँ। अब मैं इसको मटके का पानी भी, उसको ठंडा लगेगा, मटके का पानी वैसे भी बहुत अच्छा होता है तो मैं इसको मटके के पानी ही पिलाऊंगी अब, इसलिए मेरे को मटका लाना बहुत ही ज़रूरी था। चलो अनु जाते हैं फिर चलते हैं घर, अभी रास्ते में मुझे फ्रूट्स और लेने हैं, बस फिर हो गया काम ख़त्म। घर जाके इतना कुछ हार्ड आज काम है नहीं। डिनर में देखो अभी हल्का ही बनेगा, कुछ लाइट ही बनेगा, कुछ ऐसा कुछ ऐसा हैवी नहीं बनेगा।
अथर्व आपसे कुछ कहना चाहता है, आप सभी से। लो अथर्व, ऐसे करो, ऐसे थम दिखाओ, ऐसे थम, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, सभी लोग, बाय। ये है मेरा नॉटी सा बॉय, ये बहुत गंदा बच्चा है। गंदा पसंद नहीं हूँ मैं। आप गंदे बच्चे नहीं हो? फिर कौन है गंदा बच्चा? मम्मी हो। मम्मा गंदी बच्ची है। चलिए फिर मिलते हैं घर पर, घर जाके। इतना अच्छा लगा ना बाहर निकल के, पर अभी थोड़ा ना ही निकले तो वो ही हमारे लिए अच्छा है। अनुज भी आ गए हैं, देखो देखो, बुरी 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 अनुज आ गए। कहाँ गए ये? जैसा कि आपने देख ही लिया है, हम लोग घर आ चुके हैं और अच्छे से हमने हाथ मुंह धो लिए हैं। अथर्व के पापा ने भी, मैंने भी, अथर्व के भी धुला लिए हैं। मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं, बिकॉज़ मैं गाड़ी से बाहर भी उतरी थी। मेरे काफ़ी चीज़ें टच भी हुई होगी, फ्रूट्स वगैरह भी लिए थे तो भी काफ़ी टच हुई थी, इसलिए मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं। और मेन प्रॉब्लम ये हो गई है, हम जिस चीज़ के लिए गए थे वही गलत निकल गया। मेन मतलब हम मटका लेने गए थे और वो मटका ही लीक हो रहा है। हमने वहाँ अच्छे से चेक भी किया था, घर आके जब हम उसे अच्छे से साबुन से वॉश करने लगे हैं तो देखा ऊपर की साइड उसमें इतने बड़े पार्ट में फेविकॉल लग रही थी। वो मैंने हाथ लगा के देखा तो मेरे चिपक रहा था, तो वो फेविकॉल लग रहा है, मतलब वो लीक हो रहा है। इतना वहाँ ध्यान भी नहीं कर पाए, और वैसे भी वो फेविकॉल लग के उसके ऊपर फिर वो ब्राउन से कलर का जो पेंट होता हुआ रहता है ना, वो रखा था। अब अनुज कह रहे हैं मेरे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मैं उसको चेंज करके आऊँ। चलो कोई नहीं, अब देखते हैं। अब बच गया है 7, और अगर आपने मेरे फेस पे एक चीज़ नोट की है तो शायद किसी ने की हो किसी ने ना की हो, ये जो आप लिपस्टिक देख रहे हैं ये मैं 1 बजे करीब नहाई थी, मैंने 1 बजे ही लिपस्टिक लगाई थी। और उसके बाद मैंने एक वीडियो भी बनाई है फेस के ऊपर ही, जिसके फिर मैंने मुँह भी धोया था। फिर भी आप देख सकते हैं लिपस्टिक अभी 7 बज गए हैं, ऐसी की ऐसी लग रही है, मतलब इतनी पक्की लिपस्टिक है ये। चलिए, और आज रही डिनर की बात, आज का डिनर बनाएंगे, वो बनाएंगे आज का डिनर, वो फ्राइड राइस बहुत अच्छे बनाते हैं, आज हम फ्राइड राइस बनाएंगे। कुछ ऐसी वेजिटेबल भी नहीं है घर में, 2-4 वेजिटेबल पड़ी है, उसी को डाल के हम फ्राइड राइस बना देंगे। बस मैं ज़रूर आप सभी के साथ उनकी रेसिपी ये शेयर करूँगी। चलिए मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। ये लोग मेरे को बात नहीं करने देंगे, अथर और उसका फ्रेंड आके बैठे हुए हैं, ये दोनों मुझे बात नहीं करने देंगे। चलिए फिर मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। डिनर बना रहे हैं, मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो ये बना रहे हैं डिनर। हेलो मिस्टर, हेलो करो, हेलो। आज हम इनके हाथ का फ्राइड राइस खाएंगे। आपको देखना है कैसे बनाते, मैं दिखाती हूँ। सही हो रहा है, यहाँ इन्होंने ये सब तैयार करके रख दिया है। रात का खाना खाएंगे। ये देखो ये दोनों बच्चे शरारती बच्चे, ये अनुज का अथर्व का बेस्ट फ्रेंड है ये। अथर्व से हेलो, हेलो करो कृष्णा। बर्थडे वाले दिन इसने हेलो नहीं किया था, आज इसने हेलो कर दिया फाइनली। चलिए फिर मिलते हैं डिनर के टाइम। वो आ रही है ना, बस क्या बताऊँ, बेचारी इतनी मेहनत कर रहे हैं, करने दो, मैं भी तो करती हूँ। पर इस वाक्य में ही ये फ्राइड राइस बहुत अच्छे बनाते हैं, इसकी मैं दिखाती हूँ आपको। इसके ये आता है, इसके फ्राइड राइस बनाते हैं, चिंग्स का सीज़न फ्राइड राइस मसाला। बन चुके हैं, मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो
कितने अच्छे बन रहे हैं देखने में। जैसे कि आपने देख ही लिया है, मैंने डिनर भी कर लिया है और मेरा सारा बाकी काम भी हो गया है। मैंने बर्तन भी धो लिए हैं, किचन मेरी सारी साफ़ हो चुकी है। अब बस टाइम हो गया है 11। अब मुझे ये वीडियो एडिट करनी है, मैं इसको फिर एडिट करके कल मुझे इसे पोस्ट भी करना है। और देखिए अथर्व भी सो गया है, उसके पापा मूवी देख रहे हैं। बस अब इतना कुछ है नहीं करने के लिए, बस अब ये वाली वीडियो एडिट करनी है मुझे। इसे एडिट करने में मुझे कम से कम 1 घंटा लगेगा ही। मुझे एक वीडियो एडिट करने में 1 घंटा लगता ही लगता है। और आपने फिर नोटिस किया, देखो अभी तक ये लिपस्टिक लग रही है। मैंने खाना भी खा लिया, सारे काम भी कर लिए, पानी भी इतनी बार पिया है, फिर भी देखो ये लिपस्टिक अभी तक लगी है। और अगर आपको इस लिपस्टिक का शेड जानना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको ज़रूर इसका शेड नंबर बताऊंगी, नेम बताऊंगी ये कौन सी लिपस्टिक है। और चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप आप सभी को ये ब्लॉग अच्छा लगे। अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और फ्रेंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए बाय, गुड नाइट।